नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो आज की हमारी विजिट है एक भोजावास की गौशाला में, जो कि सर से आगे पूछेंगे कि ये इसका एड्रेस क्या है इस गौशाला का, और ये जो गौमूत्र जो बना रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है और उसके लेने के क्या फ़ायदे हैं, वो सर से हम पूछेंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर ये गौशाला कहाँ पर है, ये सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह सर। तो सर ये एड्रेस क्या है इसका गौशाला का? बाबा हेमादास गौशाला भोजावास। भोजावास में। तो ये कौन सी उसमें पड़ती है सर, डिस्ट्रिक्ट में और तहसील में? और ब्लॉक कनीना। कनीना ब्लॉक में ये गौशाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा कि हम और हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि आप इस जार के अंदर गौमूत्र अर्क बना रहे हैं। तो ये सर एक बार प्रोसीजर बता सकते हैं, क्या कौन सा गौमूत्र लेते हैं और उसको कैसे डिस्टिलेशन करके और फिर अर्क बनाते हैं आप? हाँ जी, ये प्रातः काल हम कंवारी बच्चा का लेते हैं 2-2.5 साल तक की उम्र। ठीक है। और इस गौमूत्र को छान करके सूती कपड़े में और ये मिट्टी के बर्तन में छान के मलिश को डालते हैं। ठीक है, मतलब आपने ये कहा कि सूती कपड़े से बिना ब्याई गाय का, मतलब बछिया क्या 2-2.5 साल तक की जो बछिया होती है, जिसके थू हो दैट इज। सर ने कहा कि जो भी होलस्टेन फ्रेशियन और जर्सी और ये जो नस्ल की गायें हैं ये नहीं चलेंगी, जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं इंडिजिनस जो हैं वो चलेंगी, और उसका 2.5-3 साल तक की जो बछिया होती है जो ब्याई नहीं है, 4-5 बजे प्रातः काल उसका निकालते हैं। फिर क्या करते हैं सर? उस गौमूत्र को सूती कपड़े में छान करके मिट्टी के बर्तन में डालते हैं। मिट्टी के बर्तन में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद सर इसको बॉइल करते हैं, गर्म करते हैं। बॉइल, जैसे कि हम ये सामने देख सकते हैं, यही प्रोसीजर है सर उसका? तो ये जो नीचे मिट्टी का मटका हमें दिखाई दे रहा है, ये यंत्र है मिट्टी का, ऊपर पानी का एक ठंडा मटका है। तो नीचे जो, जैसे कि आपने गैस जला रखी है, उस घड़े में, नीचे वाले घड़े में गौमूत्र है इस वाले में, और इसके बाद जब वो गर्म होता है तो बीच वाला जो आपने वो लगा रखा है, हाँ कंडेंसर बोलेंगे, ये भी चिकनी मिट्टी का ही बना हुआ है, तो इसके बीच में जो आपने इसके और इसके बीच में जो सील लगा रखी है, ये किस चीज से आप सील लगाते हैं? हाँ ये सूती कपड़े की होती है, मुल्तानी मिट्टी में भिगो करके। मुल्तानी मिट्टी में भिगो करके और आप इसको टाइट बांध देते हैं, तो तकरीबन से ये एक तरह का सील का काम करती है। तो बीच वाले पार्ट में वो जो इवेपोरेशन होके जो वेपर्स हैं, जो वाष्म है, वो चला जाता है, और ऊपर वाले मटके में इसमें ठंडा पानी रखते हो आप। तो ठंडा पानी रखने के बाद सर वो जब वाफ है वो ठंडे पानी से टकराएगी तो ये वापस द्रव में चेंज हो जाएगी। हाँ, कौन से चैम्बर में रहेगी वो, हाथ लगा के बताओ। हाँ, सारे वाले, हाँ, इसमें ठंडा पानी ठंडा है। हाँ, बीच वाले में वो इकट्ठा होती रहेगी। हाँ, ये यंत्र है ये। हाँ, हाँ, बीच वाले, हाँ ये जो बीच वाला, ये वाफ इसमें से गुजर के ठंडे पानी से टकरा कर ये वापिस बूंद 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 करके इसमें आती रहेगी। तो ये ग्लास का जार है जिसमें वो कलेक्ट होती रहेगी सारे दिन। तो ये सर ने हमें बताया कि गौमूत्र से गौमूत्र अर्क कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हो सर ये डिस्टिलेशन होने के बाद? हाँ, इसको फिर बोतलों में पैक कर देते हैं। बोतलों में पैक कर देते हो। तो सर वो एक बार पैक्ड बोतल दिखाइए, थोड़ी ही मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। तो इस तरह की सर ठंडा होने के बाद इसको, हाँ थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फिर इसका फ्रेश इस बोतल में भर देते हैं। तो सर ये छोटी जो बोतल आप दिखा रहे हो हमें, इसका क्या प्राइस रहेगा? इसके 50 रुपए। 50 रुपीज है इसके। और सर बड़ी बोतल और दिखाइए आप। हाँ, उसका तो एक वो कुप्पी वाला है, उसको और सामने रखिए। हाँ हाँ, यस। तो ये देख सकते हैं जब ये इसमें भर जाता है, तो इस कुप्पी की मदद से, हाँ कुप्पी में सूती कपड़ा है और इसमें छान करके और इसमें डाल देते हैं, और फिर सर इसके सील बंद करके फिर इसको सेल आउट कर देते हैं। तो सर इसके फायदे और बताइए एक बार हमारे व्यूवर्स को कि जो गौमूत्र का अर्क जो होता है। हाँ सर, ये जुखाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, पेट साफ नहीं होता हो, चर्म रोग हो, कैंसर में, कैंसर भी ये प्रिवेंट करता है। तो देखिए कितना अच्छा औषधीय गुण गो अर्क में सर ने बताया कि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये कैंसर तक के रोगियों को लाभ पहुंचाता है। तो सर इसमें ये और जानना चाहेंगे, इसको लेने की विधि क्या रहेगी? इसको मतलब 10 ml दवा और 1 कप पानी में 2 ढक्कन दवा, ये जो 2 ढक्कन, अच्छा 2 10 ml बन जाएगा, तकरीबन 5 ml का 1 ढक्कन है। और कितने पानी के साथ लें सर? 5 गुना पानी होना चाहिए कम से कम। 5 गुना पानी होना चाहिए, 5 times ज्यादा भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी। तो सर पानी ठंडा लें या गर्म लें? जुखाम, खांसी, जोड़ों का दर्द,
और पेट साफ नहीं होता उसमें तो गर्म पानी, बाकी में ताजा पानी, और कोई दिक्कत हो तो बाकी में ताजा पानी। हाँ, तो सर आदमी भी ले सकता है, सामान्य आदमी भी ले सकता है, ले सकते हैं। तो ये जैसे कि हमें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि क्योर करने की बजाय आप उस चीज को अगर प्रिवेंट ही करें तो स्वस्थ आदमी भी अगर इसका ले तो बीमारियां ही उसको टच नहीं करेंगी। लीवर के संक्रमण वगैरह, लीवर, हाँ लीवर को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में और उसके इन्फेक्शन दूर करने में गोमूत्र का अर्क काफी फायदेमंद होता है। तो सर छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग आदमी हर कोई ले सकता है इसको? हाँ नहीं, वो फिर औरत के लिए, प्रेग्नेंट के लिए नहीं है ये। अच्छा अच्छा प्रेगनेंसी में इसको ना लें, ले। जो भी तो कम से कम मात्रा लें इसकी, जैसे एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जो भी, हाँ जिनकी डिलीवरी पास है वो इसको ना लें, और बाकी बीते हुए बच्चे को भी ना लें। और छोटा जो बच्चा है तो तकरीबन मिनिमम एज क्या होनी चाहिए सर इसके लिए? 5 साल से ऊपर। 5 साल से ऊपर और बुजुर्ग अवस्था कुछ भी हो सकती है, चाहे 70 हो चाहे 5 ml दे दो एक टाइम, ठीक है, स्वस्थ को 10 ml, ठीक है, और बच्चे को 2 ml। तो सर एक जो संदेश आपने दिया था कि ये गोमूत्र बेचकर भी और आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो सर वो एक बार मैसेज आप प्लीज, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर रिपीट करें कि जो आवारा पशु हैं, जो गायें हैं हमारी देसी, गाय दूध नहीं देती हमको, ड्राई गाय, हाँ, उसका गोबर और गोमूत्र से हम जैविक खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, और वो भी इतना फायदेमंद हो सकती है किसान के लिए। हाँ, जीरो बजट पे खेती हो सकती है हमारी, जीरो बजट पे खेती हो सकती है। एक गाय 5 एकड़ के किसान को कोई भी आपको रसायन वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें कीट नियंत्रक भी हो जाएगा, जीवाणु खाद भी, केचुआ खाद भी, सारी चीजें बनाने में उसका गोमूत्र और गोबर सक्षम है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये संदेश हर किसान तक पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी गायों को गौशाला में न छोड़ें और अपने घर पर ही उसको, हाँ संभाल करें, ताकि वो वही यही फायदा उसको घर पर ही दे, जीरो बजट पे वो अपनी खेती कर सकते हैं। तो सर इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली थी? हाँ जी हमने। तो सर एक बार मैं वो और देखना चाहूंगा जो आपने वो लिया है, जल्दी लेके आइए उसको, वो और दिखाइए, वो जो आपकी फोटो है जो नागपुर से आपने ट्रेनिंग ली है। तो एक सेकंड, बस यहीं होल्ड कीजिए। तो ये देख सकते हैं, ये सर हैं नागपुर से, सर ने गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर से इन्होंने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद ये सारे इक्विपमेंट्स और इससे गो अर्क बना रहे हैं। तो सर धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय निकालने के लिए निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सर।